कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी उछाल के बाद सियासी बवाल मच गया है। चुनाव के कुछ ही दिन के बाद महंगाई को जो झटका लगा, इसके बाद बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई है और आज पूरे कर्नाटक में बीजेपी सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में पेट्रोल डीजल को लेकर संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए हैं, जबकि डीजल के दाम 3 रुपए 2 पैसे महंगे हुए हैं, जिसके बाद सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी ने बढ़ी कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, आज राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्नाटक में पेट्रोल की कीमत 99.84 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 102.84 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 85.93 रुपए से बढ़कर 88.95 रुपए हो गई है। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लोकसभा चुनाव के नतीजों के कुछ दिन बाद हुई है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने दावा किया, इस बढ़ोतरी से आने वाले पैसों का इस्तेमाल विकास की परियोजनाओं में किया जाएगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में एनडीए को कर्नाटक में 28 में 19 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी को 17 और जेडीएस की 2 सीटें शामिल हैं, जबकि कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 9 सीट हासिल की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की, हालचाल जाना, उसके बाद रुद्रप्रयाग के हादसे में घायल हुए लोगों का हेल्थ अपडेट भी लिया। कल अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश एम्स पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से बात की। आपको बताएं, 15 मई से योगी आदित्यनाथ की मां ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। एम्स के डॉक्टर लगातार योगी की मां सावित्री देवी की हेल्थ को चेक कर रहे हैं। अस्पताल में मां से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा मां। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैतृक गाँव ऋषिकेश एम्स से 50 किलोमीटर दूर है। योगी की मां सावित्री देवी का इलाज एम्स में काफी लंबे समय से चल रहा है। मां से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। दरअसल 15 जून को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रहे टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हुई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। गर्मी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। कई राज्यों में जो तापमान है लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर बढ़ते तापमान और हीट वेव्स ने लोगों को मुश्किलों में डाल रखा है। लेकिन बुरी खबर यह है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि भी आने वाले कुछ दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, यानी कि गर्मी का सितम अभी जारी रहेगा। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी और एमपी के कई जिलों में आसमान से आग बरस रही है। कल दिल्ली का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। कल दिल्ली का पारा 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम की औसत से 5.7 डिग्री अधिक है। अब एक नज़र आज के मौसम के अपडेट पर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भीषण लू के आसार हैं। झारखंड, उत्तराखंड में भी गर्मी भीषण पड़ने वाली है। हिमाचल, जम्मू संभाग, पूर्वी एमपी, नॉर्थ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी हीट वेव की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी की मार है। लोगों को दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में अभी भी तापमान 40 डिग्री के पार ही रहने वाला है। दिल्ली की जनता इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। एक ओर गर्मी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत लोगों की समस्याओं को बढ़ा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।